गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अभद्र भाषा कांग्रेस की पहचान, पहले भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान। कांग्रेस और राहुल गांधी पर गृहमंत्री अमित शाह का तंज, नागालैंड में चुनाव प्रचार में कहा 2024 का नतीजा देखिएगा, कांग्रेस दूरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे केस में आज संविधान पीठ करेगी सुनवाई, पिछली सुनवाई में नबाम रेबिया फैसले की समीक्षा की मांग को किया गया था खारिज। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने को उद्धव ठाकरे ने बताया सबसे मुश्किल वक्त, कहा अदालत और सड़कों पर लड़ेंगे लड़ाई। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, बोले 2025 में सीएम पद के लिए किसी का नाम तय नहीं है, तब का तब देखा जाएगा, 2024 आने वाला है, इसकी बात कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा नीतीश का साथ, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से बनाई नई पार्टी, नीतीश पर फिर साधा निशाना, बोले पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं नीतीश। पीएम मोदी ने तुर्की सीरिया में ऑपरेशन दोस्त में शामिल रहे जांबाजों से की बात, बोले भारत की पहचान आत्मनिर्भर और स्वार्थ रहित देश की है। 2024 चुनाव पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान, विपक्षी दल की एकजुटता पर बोले चिदंबरम, कहा विनम्रता का भाव दिखाएं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नया नोटिस, पूछताछ के लिए सीबीआई ने 26 फरवरी की सुबह 11 बजे बुलाया। और राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड, सुबह से 72 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी। ज्ञानवापी केस में सुनवाई आज, सभी मुकदमों को वाराणसी की जिला अदालत में ट्रांसफर करने की मांग, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट दे सकता है आदेश। शिंदे गुट को शिवसेना नाम मिलने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक, ताज पैलेस होटल में होगी मीटिंग। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन, ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह गिरफ्तार, 20 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का लगा आरोप। पीएम मोदी पर विवादित बयान के बाद मचा बवाल, लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी। विजयवाड़ा में टीडीपी दफ्तर में तोड़फोड़, ऑफिस के बाहर कार में आगजनी, वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। पटना पार्किंग विवाद में हुआ जमकर हंगामा, लोगों ने की आगजनी, अब तक 3 लोगों की मौत, 7 गिरफ्तार, गिरिराज सिंह बोले बिहार में जंगल राज नहीं तो क्या। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगे गोडसे जिंदाबाद किनारे, हिंदू महासभा के महासचिव बोले गोडसे राष्ट्र के लिए आदर्श, उनका इतिहास छिपाया गया। गंगा विलास क्रूज की यात्रा का 42वां दिन, गुवाहाटी पहुंचा गंगा विलास क्रूज। राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। मुंबई के एक इवेंट के दौरान सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की, सेल्फी लेने के दौरान दौड़ा एक शख्स, सोनू निगम और उनके साथी को आई चोट, चेंबूर के विधायक के बेटे पर केस दर्ज। दिल्ली में एक और लिव इन पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की हत्या की, मोहित नाम के शख्स ने नशे की हालत में प्रेमिका को लगाई आग। पीलीभीत में पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या की कोशिश, पड़ोसियों ने बचाई जान, पुलिसकर्मी का इलाज जारी। एटा में सांसद के निजी सचिव के भाई की पिटाई पड़ी महंगी, दारोगा सहित 2 पुलिसकर्मी निलंबित। हरदोई में शादी के अगले दिन दूल्हा हुआ फरार, परिवार वालों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मुरादाबाद में वृद्ध महिला की हत्या पर पुलिस का खुलासा, किरायेदार ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों पर हमला, पुलिस की मौजूदगी में हुआ हमला, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। सिद्धार्थनगर के एक चर्च में तोड़फोड़, चर्च के कर्मचारियों से की गई हाथापाई, पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरुखाबाद में कलेक्टर ऑफिस से बाइक चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगे बढ़ते हैं क्राइम की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें देखिए। तुर्की में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, तुर्की सीरिया बॉर्डर पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप, 3 लोगों की मौत, डरकर अपने घरों से बाहर निकले लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया कीव का दौरा, कहा उन्हें लगा कि यूक्रेन कमजोर है लेकिन वो गलत थे, यूक्रेन को $500 मिलियन मदद की घोषणा की। यूक्रेन की सेना ने चेर्नोबिल में किया सैन्य अभ्यास, सेना की कई यूनिट ने एक साथ दिखाई ताकत, बेलारूस बॉर्डर से थोड़ी ही दूरी पर किया अभ्यास। यूक्रेन के बाखमुत में रूस यूक्रेन की सेना में भीषण जंग, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाखमुत के उत्तरी हिस्से पर कब्जे का दावा किया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, लाहौर हाईकोर्ट ने दी जमानत, चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन मामले में हुए थे पेश। मॉरिशस में फ्रेडी तूफान के आने से पहले भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं हवाएं। मैक्सिको में भीषण बस हादसा, हाईवे पर बस पलटने से 17 लोगों की मौत, वेनेजुएला और कोलंबिया से प्रवासियों को ले जा रही थी बस। शूट आउट से फिर सहमा अमेरिका, टेनेसी प्रांत के मेम्फिस में हुई गोलीबारी में एक की मौत, 10 घायल। ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही, साओ पाओलो प्रांत में सबसे ज्यादा 35 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग लापता। विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं आर्थिक जगत की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें देखिए। पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम होंगे नीति आयोग के नए सीईओ, परमेश्वरन अय्यर की लेंगे जगह, 2 साल का होगा कार्यकाल। नियुक्ति मामलों की कैबिनेट समिति ने किया नाम का ऐलान। परमेश्वरन अय्यर को वर्ल्ड बैंक में मिली अहम जिम्मेदारी, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में 2 साल के लिए हुई नियुक्ति। 10 साल से ज्यादा पुराने आधार कार्ड पर UIDAI का नया निर्देश, पहचान और पते के दस्तावेज को अपलोड कर वेरीफाई करवाने की सलाह, ऑनलाइन अपलोड पर ₹25, ऑफलाइन अपलोड पर लगेंगे ₹50। सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 311 अंक गिरकर 61,000 के नीचे पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी 100 अंक गिरकर हुआ बंद। अडानी ग्रुप की शानदार वापसी, अडानी पोर्ट ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया और 1000 करोड़ रुपए चुकाने का वादा किया। पासपोर्ट बनवाने को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट, कहा पासपोर्ट सेवाएं देने वाली फर्जी वेबसाइटों ऐप के झांसे में ना आए, भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट से ही करें आवेदन। सराफा बाजार में गिरावट का दौर जारी, सोने के दाम में गिरावट आई, वहीं चांदी की कीमत भी कम हुई। 8 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में 88 रुपए की कमी, प्योर सिल्वर की कीमत में 100 रुपए की कमी आई। मेटा ने भी किया पेड ब्लू वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च, इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगी शुरुआत। तो चलिए आर्थिक जगत की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की सुर्खियां। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने आयरलैंड को हराया, मैच में बारिश बनी बाधा, डकवर्थ नियम के तहत आयरलैंड को 5 रनों से मात दी। आयरलैंड के खिलाफ ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 56 गेंद में बनाए 87 रन, शतक से चूकी स्मृति। आयरलैंड को हराकर भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, भारत के अलावा ग्रुप बी से इंग्लैंड की टीम ने भी क्वालिफाई किया। केएल राहुल के शर्मनाक प्रदर्शन से नाराज हुए पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, काउंटी क्रिकेट खेलने की नसीहत। 1 मार्च से खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, भारत ने हासिल कर चुका है 2-0 की अपराजय बढ़त। पीसीबी के पूर्व चीफ रमीज राजा ने की टीम इंडिया की तारीफ, बोले भारत को उनके घर में टेस्ट मैच हराना मुश्किल, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने स्पिन के खिलाफ खेले खराब शॉट्स। हार के बाद अपनी ही टीम पर भड़के माइकल, गिनाई गलतियां, ट्रेविस हेड को नहीं खिलाने पर उठाए सवाल। भारत दौरे से ऑस्ट्रेलिया लौटे पैट कमिंस, परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी की सूचना मिलने के बाद घर लौटे। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से झगड़े के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल को बड़ी राहत, मुंबई की अदालत ने सपना और उनके 3 दोस्तों को जमानत दी। खेल जगत की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन की सुर्खियां। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। जय संतोषी मां फेम एक्ट्रेस बेला बोस का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, 200 से ज्यादा हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में किया काम। शहजादा फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर हालत खराब, पहले वीकेंड में 20.20 करोड़ रुपए की कमाई, कार्तिक आर्यन की टॉप ओपनिंग वीकेंड मूवीज की लिस्ट में मिली 7वीं पोजीशन। राखी सावंत ने पति आदिल दुर्रानी पर लगाया धमकी देने का आरोप, बोली राखी आदिल ने कोर्ट में धमकी दी। एक्टर संजय दत्त अपने परिवार के साथ आए नजर, 13 साल के बेटे पर टिकी फैंस की नजरें, फैंस ने किया कमेंट, संजू बाबा की तरह बनेगा स्टार। शाहरुख खान स्टारर पठान हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है, अब यह फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार है। सोनम कपूर के बेटे वायु कपूर आहूजा 6 महीने के हुए, बेटे की फोटो वीडियो सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की, एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी बेटी के बर्थडे का वीडियो शेयर किया, पेपा पिग थीम्ड पर बर्थडे सेलिब्रेशन।
अपकमिंग फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में पहुंचे अक्षय कुमार। फैन ने बैरिकेड कूद कर मिलने की कोशिश की, बॉडीगार्ड ने मारा धक्का, फिर अक्षय ने फैन को गले से लगाया। गदर 2 रिलीज होने से पहले चेंज हुआ विलेन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनीष वाधवा हो सकते हैं गदर 2 के नए विलेन।